सो गाइस, सुबह 4 बजते ही मेरी पूरी फैमिली भोले बाबा की पूजा के लिए गई, लेकिन मुझे नींद आई थी तो मैं पूजा करके आके वापस सो गई। फिर मेरी नींद 9 बजे खुली। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अभी मैं सो के उठ गई हूँ, तो अभी हम जाएंगे चाय बनाने के लिए। अभी मैंने ब्रश वगैरह सब कुछ कर लिया है, तो अभी हम लोग जाएंगे चाय बनाने के लिए। सो गाइस, जाके मैंने फटाफट से चाय बनाई, क्योंकि चाय पीने के बाद ही मेरा दिन शुरू होता है। मेरे लिए चाय एक स्ट्रेस बर्नर का काम करता है। तो मैंने फटाफट सारी चीज़ें चाय में डाल दी। चाय बनके रेडी है, इसको हम छान लेंगे। सो गाइस, फटाफट से मैंने पापा, दीदी और मेरे लिए चाय छान ली है। फिर हम चले दे देते हैं पापा को। सबसे पहले मैंने पापा को दे दी चाय, देन मैंने दीदी को दे दी और मैं मेरे लिए ले आई। तो चलिए अब चाय पीते हैं। फिर देन मेरे खाने का टाइम हो गया था, तो मैंने फटाफट से खाना खाया। सो गाइस, आज खाने में थी आलू भट्टे की सब्जी, सैलेड एंड ये जो मम्मी ने कुछ बनाया था बेसन का वो, एंड ये खिचड़ी वगैरह थी। जो भी है ये सब मैंने फटाफट से खाया। फिर पूजा करने के लिए मामी के घर जाना था, तो मैंने खाना खा के और मैं फटाफट से रेडी हो गई। तो चलिए मिलते हैं खाना खाने के बाद। सो गाइस, आज है गणगौर पूजा और मम्मी और मैं जा रहे हैं मामी के घर पे गणगौर जी की पूजा करने के लिए। तो मम्मी ने थाली रेडी कर ली, देख सकते हो ये सारी रकम बनाते हैं। और ये मम्मी ने पूजा की थाली रेडी कर ली है, अब हम लोग जा रहे हैं मामी के घर। सो गाइस, अभी मम्मी और हम लोग पहुँच गए हैं मामी के घर पे। तब भी हम लोग आ गए हैं, आप देख सकते हो कि मामा जी की कार रखी हुई है यहाँ पे। देख सकते हो मामी जी के घर पे हमारे काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, तो आपको मैं बता देती हूँ, देख सकते हो आप। और यहाँ पे गाय वगैरह भी हैं। हेलो हेलो गौ माता, कैसे हो आप? हेलो, देखो गाइस वो भी मेरे को देख के उठ के खड़ी हो गई हैं। हेलो। सो गाइस, देख सकते हो आप, ये छोटी छोटी गाय है, इनकी मम्मियाँ जो हैं अभी बाहर घूमने गई हैं। वो मेरी छोटी मामी का घर है, वो आप देख सकते हो। और इधर साइड ये मेरी बड़ी मामी का घर है, इनको गाय बहुत पसंद है। मेरी बड़ी मामी को ये सेवा करती रहती हैं। देख सकते हो कितनी क्यूट क्यूट गाय हैं। ये अभी हुई है, इसको कुछ ही दिन हुए हैं, ये बहुत प्यारी दिख रही है। सो गाइस, ये हमारी बड़ी मामी का घर, यहाँ पे हम पूजा करने के लिए आए हैं गणगौर देवता जी की। तो गाइस, नारियल भूल गए थे, तो मैं फटाफट से मार्केट से नारियल ले आई। तो गाइस, देख सकते हो आप, मम्मी फटाफट पूजा कर रही हैं, देन मम्मी होम दे रही हैं। गाइस देख सकते हो, गाय को हम खाना खिला रहे हैं। ये छोटी वाली बहुत क्यूट है गाइस। हेलो, आपको यहाँ पे अतूत बताती हैं, यहाँ पे अतूत लगे हैं। सो गाइस, इनको अतूत बोलते हैं। सो अभी ये कच्चे हैं, और जो ब्लैक वाले होते हैं, जैसे कि लेट मी शो यू, ये जो ब्लैक वाले होते हैं ये पके हुए होते हैं, ये पूरे ब्लैक हो जाते हैं, तो मतलब कि ये पक चुके हैं। तो अभी ये जो ग्रीन है वो अभी पके हुए नहीं है, तो ये पक जाएंगे तब बहुत टेस्टी लगते हैं। देख सकते हो आप, पूरे पेड़ में है। और यहाँ पे कार्तिक भी तोड़ रहा है। कार्तिक से हाय टू माय ब्लॉग। कार्तिक हमको तोड़ के दे रहा है, देख सकते हो गाइस कितने मीठे मीठे और टेस्टी रहते हैं ये। कार्तिक तोड़ रहा है, काफ़ी टेस्टी होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो गाइस, जामुन का पेड़ है, यहाँ पे मोगरा का, मैक्सिमम हर चीज़ के पेड़ हैं यहाँ पे। तो गाइस अभी हम इनको टेस्ट करके देखते हैं, काफ़ी टेस्टी हैं। सो गाइस, ये मेरी फेवरेट चीज़ है, देख सकते हो आप। सो गाइस, देख सकते हैं यहाँ पे एक मोगरा का फूल है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। सो गाइस, आपको यहाँ पे हर तरीके के पेड़ पौधे देखेंगे। मेरे नाना जी को पेड़ पौधों का बहुत शौक है। देखो यहाँ पे एलोवेरा का पेड़ है, जो कि हमारे काफ़ी टाइप्स की बीमारियों में बहुत हेल्प करता है, ये किसी को लग जाती। सो गाइस, चलिए अभी चलते हैं घर पे, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत टाइम हो गया है। उनको अतूत खाने थे, हमने खा लिए हैं, काफ़ी टेस्टी होते हैं अतूत। सो गाइस, अभी हम चलते हैं मामी के घर से, हम चलते हैं हमारे घर। अभी हम हमारी मामी के घर से आ गए हैं। काफ़ी अच्छा लगता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पेड़ पौधे हैं और मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधों के पास रहना, उनके पास बैठना, उनको पानी देना। तो दैट्स ऑल। सो गाइस, अभी हम आपको बताते हैं कि पापा क्या कर रहे हैं। सो गाइस, देखो पापा यहाँ पे बेसन की चीज़ें निकाल रहे हैं, देखो पपड़ी वगैरह और सेव वगैरह पापा यहाँ पे निकाल रहे हैं कढ़ाई में से, क्योंकि काफ़ी टेस्टी लगती हैं। सो गाइस, अभी बनने के बाद हम लोग टेस्ट करेंगे इनको कि ये कैसा टेस्ट है। सो गाइस, पापा निकाल रहे हैं अभी पूड़ी,
और अभी हमने ये थोड़े से प्लेट में ले लिए है, अभी हम इनको टेस्ट करके देखें। पापा हेलो बोलो। हेलो। तो पापा अभी पूरी निकाल रहे हैं, अभी हम लोग इनको चलो से खा रहे हैं। केवल मात्र अगर उस संसार का मनुष्य शक्ति बहुत टेस्टी है गाइस। सो हे गाइस, मेरे घर में सबसे टेस्टी कॉफी मैं बनाती हूँ, ऐसा मेरी फैमिली मेंबर्स का कहना है। तो गाइस चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैं कॉफी कैसे। कॉफी बनाने के लिए मैंने बाउल रख दिया, मैं इसी बाउल में कॉफी बनाती हूँ और उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे दूध। सो गाइस मैंने दूध डाल दिया इसमें, लाइट्स ऑन कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए। तो उसके बाद मैंने, मेरे को 2 कप बनानी है तो मैंने 2 कप दूध डाल दिया, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो गाइस जैसे मैं 2 कप कॉफी बना रही हूँ तो मैं चीनी भी डालूंगी इसमें 2 चम्मच। तो गाइस इसमें मैं 2 चम्मच चीनी डाल दूंगी। सो गाइस यहाँ पे मैं यूज़ करती हूँ सनराइज नेस्कैफे की सनराइज कॉफ़ी जो है। तो गाइस अभी यहाँ पे यही मिलती है तो मैं यही यूज़ करती हूँ, काफ़ी टेस्टी रहती है ये। और लेट्स सी, कॉफ़ी को निकाल लिया है, ये हम इनको दूध में मिक्स करेंगे। तो गाइस सबसे एक पॉइंट मैं आपको मतलब बताना चाहती हूँ कि जो अब दूध गर्म हो जाए, जो शक्कर हमने डाली है चीनी उसमें, जब वो गर्म हो जाए उसको गैस बंद करके हमको कॉफ़ी मिलानी है। कॉफ़ी मिक्स उसमें तभी करना है जब गैस बंद हो जाए। ओके गाइस तो मैं आपको बताती हूँ अभी पूरा प्रोसेस कैसे करना है। सो गाइस यहाँ पे हमारा दूध गर्म हो गया है तो आप देख सकते हो, बस जैसे ही गर्म हमको गैस बंद कर देना है। ओके अब हमको क्या करना है, ये जो कॉफ़ी हमने निकाल ली है इसको हम डायरेक्टली इसमें डाल देंगे। अभी 2 कप के हिसाब से हम इसमें और कॉफ़ी डाल देंगे। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीना पसंद है तो आप ज़्यादा कॉफ़ी डाल दीजिए, और मुझे थोड़ा लाइट पीना पसंद है तो मैं उतनी डालूंगी। इसके बाद आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए, इसमें लम्स ना रहे। अब हम इसको छान लेंगे कप में ताकि ये लम्स हमारे मुँह में नहीं आएंगे, इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। सो गाइस अभी मैं आपको बताती हूँ। सो गाइज हमारी कॉफ़ी बन के रेडी है। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू।